नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल विवेक जी के मैथ्स क्लास में। दोस्तों, आज मैं लेकर के आया हूं मानसिक योग्यता परीक्षण से संबंधित प्रश्न, जो नवोदय विद्यालय और अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। प्रश्न में जाने से पहले आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आने वाले वीडियो प्राप्त होते रहें। तो आइए दोस्तों, हम प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। जैसा आप देख पा रहे हैं, इस प्रश्न में यहाँ पर चार आकृति बनी हुई है। इसमें से हमको एक असमान आकृति को पहचानना है। तो आइए हम देखते हैं। ए नंबर पे यदि हम देखें तो ए नंबर की जो आकृति है उस पे एक वृत्त बना है, और वृत्त के अंदर जो है तीन गोले बने हुए हैं, और दो गोलों के बीच में थोड़ा सा स्थान जो है छूटा हुआ है। आगे हम देखते हैं बी नंबर की आकृति। गोले के अंदर, वृत्त के अंदर तीन गोले बने हुए हैं और थोड़ी सी जगह छूटी हुई है। आगे सी नंबर पे देखते हैं, गोला वृत्त के अंदर जो है तीन गोले बने हुए हैं और थोड़ी सी जगह खाली छूटी गई है, छूटी हुई है। आगे हम डी नंबर पे देखते हैं, तो वृत्त के अंदर तीन गोले बने हुए हैं और तीनों में जो है यहाँ पर जगह छूटी हुई है। तो यहाँ पर हमारी जो असामान्य जो आकृति होगी वो डी नंबर की होगी। तो इसका जो आंसर है वो डी है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इस प्रश्न में भी हमको तीनों में से एक असामान्य आकृति को पहचानना है। ए नंबर पर यदि हम देखते हैं तो उल्टा वाई जैसी आकृति बनी हुई है, प्लस का चिन्ह है। बी नंबर पे देखते हैं तो इस पे सीधा वाई बना हुआ प्लस की आकृति है। सी में देखें उल्टा वाई बना हुआ है और इस पे प्लस बना हुआ है। डी में देखें उल्टा वाई बना हुआ है और प्लस बना हुआ है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ए, सी और डी में उल्टा वाई बना हुआ है, जबकि बी में जो है सीधा वाई बना हुआ है। तो यहाँ पर जो असमान आकृति होगी वो है बी नंबर का। तो इसका जो आंसर आएगा बी आएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इस प्रश्न में भी हमको एक असमान आकृति पहचाननी है चारों में से। तो ए नंबर पे हम देखते हैं, ए नंबर पे हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर तीन वृत्त बने हुए हैं और तीन वृत्त के जो सेंटर है उस पे त्रिभुज बना हुआ है। बी नंबर पे हम देखते हैं कि तीन जो है यहाँ पर वृत्त बने हुए हैं और बीच में जो है चतुर्भुज बना हुआ है। सी नंबर पे हम देख रहे हैं यहाँ पर हमारे चार जो है वृत्त बने हुए हैं और सेंटर पे जो है चतुर्भुज बना हुआ है। डी नंबर पे हम देख रहे हैं यहाँ पर पांच जो है तो वृत्त बने हुए और सेंटर पे पंचभुज बना हुआ है। और ए नंबर, यहाँ पर हम असमान आकृति को देखें तो बी नंबर की असमान आकृति होगी, क्योंकि तीन वृत्त हैं और सेंटर पे यहाँ पर चतुर्भुज बना हुआ है, जबकि हम बाकी में देख रहे हैं कि जितने वृत्त बने हुए उस उतने कोण की आकृति सेंटर पे बनी हुई। तो जो असमान आकृति होगी वो हमारी यहाँ पर बी नंबर की होगी। इस प्रश्न में हमको समान आकृति को पहचानना। ये जो हमारी आकृति यहाँ पर दी गई है उसके जैसे ही इन ए बी सी डी में हमको एक आकृति दी गई है, उसको हमको पहचानना है। तो यहाँ पर हम देखें, इस आकृति को गौर से देखते हैं तो सारे तीर के जो निशान हैं वो बाहर की ओर इंगित करते हैं। ए नंबर पे देखते हैं तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि एक जो है हमारा अंदर की ओर तीर जो है इंगित करता है। बी नंबर पे देखते हैं तो यहाँ पर जो एक जो तीर है वो अंदर की ओर इंगित करता है। सी नंबर पे देखें तो यहाँ पर भी जो है एक तीर अंदर की ओर इंगित करता है, जबकि हम डी में देख रहे हैं कि चारों तीर हमारे बाहर की तरफ बने हुए हैं। तो इसमें जो इसके जैसे जो आकृति के समान जो आकृति वो है डी नंबर की है। तो इसका जो आंसर है वो डी आएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर भी हमको ये जो आकृति दी गई है इसकी समान आकृति को हमको इनमें से ढूंढना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो क्रॉस का चिन्ह इस पे दिया गया है, तो सभी आकृति में तो क्रॉस बना हुआ है ए बी सी डी में, लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं इस साइड में तो यहाँ पर दो लाइनें खिंची हुई है। तो दो लाइन वाली आकृति हम देख लेते हैं जो कि हमको सी नंबर पे मिल रही है। फिर हम उसके ऑपोजिट साइड में दूसरी तरफ देखते हैं तो तीन आकृति बनी हुई, तीन आकृति सी नंबर पे भी बनी हुई है। ऊपर की तरफ दो लाइनें बनी हैं, दो लाइनें बनी हुई सी में, नीचे तरफ तीन लाइनें हैं, इस पे भी तीन लाइनें बनी हुई। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा हमारा सी नंबर का आंसर आएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर हम इस आकृति में देख रहे हैं
यहाँ पर भी हमको समान आकृति, ये जो चित्र बना हुआ है इसकी समान आकृति को हमको देखना है। तो आगे हम देखते हैं इसमें, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक लाइन बनी हुई है और उस पर दोनों में छोटे छोटे गोले बने गए हैं जो कि हमको बी सी और डी में दिखाई देता है। और नीचे एक लाइन खींची हुई और उस पर जो है बिंदु बना हुआ, मतलब छोटा सा गोला बना हुआ है। तो हम इस पर देख रहे हैं सी और डी में हम देख रहे हैं, और यहाँ पर हम देख रहे हैं तीर के निशान बने हुए हैं आकृति में। तो तीर के निशान भी जिस सी नंबर की आकृति में बने हुए, तो इसका जो समान आकृति होगी वो सी नंबर की होगी, इसका जो आंसर है सी है। अगले प्रश्न, यहाँ पर हम इस प्रश्न में देख पा रहे हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक आकृति बनी हुई, इसके तीन भाग तो पूर्ण हैं, एक भाग अपूर्ण है, और हमको ए बी सी डी में से एक भाग को देखना है कि कौन सा भाग इसको पूर्ण करता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सबसे पहले तो गोला आएगा और डॉट डॉट आएंगे, तो गोला और डॉट डॉट जो आ रहे हैं वो बी और डी में आ रहे हैं। इसके बाद एक डार्क जो है, डॉट डॉट के बाद एक डार्क लाइन होगी, वो हम लाइन देख पा रहे हैं, डार्क लाइन जो है वो डी में दिखाई दे रही है। तो इसका जो आंसर आएगा वो डी नंबर का आएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चल रहे हैं, यहाँ पर भी हमको चार ऑप्शन दिए हैं, ए बी सी डी हमको चार ऑप्शन दिए गए हैं, और लास्ट में हम देख रहे हैं एक आकृति बनी हुई है और तीन भाग इसके पूर्ण हैं और चौथा भाग जो है अपूर्ण है यहाँ पर। तो ए बी सी डी में से हमको एक को चुनना है कि इसको कौन सी आकृति पूर्ण इसको आकृति को करती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एक लाइन यहाँ पर ऐसा खींची जाएगी और फिर एक तीर ऐसा बनेगा यहाँ पर, और इस प्रकार से जो आकृति हमको मैच हो रही वो है ए नंबर की। तो इसका जो आंसर आएगा ए आएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, इस आकृति में हम देख पा रहे हैं, इस प्रश्न में हम देख पा रहे हैं कि पहला जो आकृति है उसका संबंध दूसरी आकृति से है, इसी प्रकार से जो तीसरी आकृति होगी उसका संबंध चौथी आकृति से होगा। जो प्रश्नवाचक चिन्ह है वहाँ पर ए बी सी डी में से एक आकृति आएगी। यहाँ पर हम पहली आकृति को देखें और दूसरी आकृति को देखें, तो पहली आकृति जो है 90 अंश जो है रोटेट हो गई है, घूम गई है, तो दूसरी आकृति बन गई है। इसी प्रकार से यदि हम तीसरी आकृति को 90 अंश घुमा दें तो चौथी आकृति हमको मिल जाएगी। तो यहाँ पर यदि हम 90 अंश घुमाते हैं तीसरी आकृति को, तो हमको डी नंबर की आकृति प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर है वो डी है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं पहली जो आकृति है उसका संबंध दूसरी आकृति से है और तीसरी आकृति के संबंध चौथी आकृति से। तो यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह आया है उस आकृति को हमको पता करना है, तो ए बी सी डी में से एक आकृति वो होगी। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमने पहले पहली आकृति को यदि पूरा क्रॉस कर दिया है तो दूसरी आकृति हमको मिल जाती है। इसी प्रकार से यदि हम तीसरी नंबर की आकृति को पूरा क्रॉस कर देते हैं तो गोले के अंदर क्रॉस होगा, मतलब यहाँ पर जो आंसर आएगा वो हमारी बी नंबर की आकृति हमको प्राप्त हो जाएगी। तो चौथे नंबर की जो आकृति हमें मिलेगी वो हमारा आंसर जो है बी नंबर का होगा। इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को हम हल कर सकते हैं। दोस्तों यदि वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।